प्रिय दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें इस वीडियो में यण संध की परिभाषा उदाहरण सहित जानकारी दी जा रही है यण संध की परिभाषा का ई ई के आगे कोई भी भाज विजातीय असमान स्वर होने पर ई ई को यह हो जाता है ऊ उ, उ के आगे किसी भी जाति स्वर के आने पर ऊ उ, उ को वह हो जाता है री के आगे किसी भी जातीय स्वर के आने पर री को र हो जाता है इसे यण संधि कहते हैं जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है जब उ उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है यण सन्द के कुछ उदाहरण अधिधन आय बराबर अध्याय ई धन आ बराबर या जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं ई यम, आ वह दो स्वर हैं जिनसे मुख्यतः संधि करने पर शब्दों में परिवर्तन आ रहा है जब शब्दों की संधि हो रही है तो ये दोनों स्वर मिलकर या बना देते हैं अधि और आय का अध्याय बन जाता है अतः यह उदाहरण यण संधि के अंतर्गत आएगा अनुधन एषण बराबर अन्वेषण धन ए बराबर व आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं उ यम ए वह दो स्वर हैं जिनसे मुख्यतः संधि करने पर शब्दों में परिवर्तन आ रहा है जब शब्दों की संधि हो रही है तो ये दोनों स्वर मिलकर वह बना देते हैं अनु और एषण का वेषण बन जाता है अतः यह उदाहरण संधि के अंतर्गत आएगा अधिधन अयन बराबर अध्ययन ई धन अ बराबर ये। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं ई यम और वह दो स्वर हैं जिनसे मुख्यतः संधि करने पर शब्दों में परिवर्तन आ रहा है जब शब्दों की संधि हो रही है तो ये दोनों स्वर मिलकर यह बना देते हैं अधि और अयन का अध्ययन बन जाता है अतः यह उदाहरण यण संधि के अंतर्गत आएगा अनुधन इति बराबर अन्वित धन ई बराबर वि इस उदाहरण में देख सकते हैं ई यम आ वह दो स्वर हैं जिनसे मुख्य संधि करने पर शब्दों में परिवर्तन आ रहा है जब शब्दों की संधि हो रही है तो ये दोनों स्वर मिलकर भी बना देते हैं अनु और इत का अन्वित बन गया था है अतः यह उदाहरण यण संधि के अंतर्गत आएगा इति धन आदि बराबर इत्यादि ई धन आ बराबर या जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं ई यम आ वह दो स्वर हैं जिनसे मुख्यतः संधि करने पर शब्दों में परिवर्तन आ रहा है जब शब्दों की संधि हो रही है तो ये दोनों स्वर मिलकर या बना देते हैं इति और आदि का इत्यादि बन जाता है अतः यह उदाहरण यण संधि के अंतर्गत आएगा इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें